नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य जी ने कहा कि इस सावन और अधिक मास में पड़ने वाले इस नवमी की तिथि में आपको हरे मूंग वाला एक ऐसा उपाय करना है जो शिव महापुराण के साथ साथ लिंग पुराण में भी वर्णित है। गुरुजी कहते हैं कि हरे मूंग के दानों से किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही साथ अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनकी गलत संगत हो गई है, उनमें बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, तो उनमें भी सुधार करेगा और आपके व्यापार में आपकी नौकरी में भी वृद्धि करेगा, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से दुख का तथा दरिद्रता का एवं दुर्भाग्य का सदैव के लिए अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य जी ने कहा कि सावन और अधिक मास के मिलन वाली यह आखिरी नवमी है, तो इसलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की सारी कमी को दूर कर देगा और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करेगा, बच्चों पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, आए दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी रहती है, किसी रोग से परेशान हैं या फिर उनकी कोई विशेष मनोकामना है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूसरा उपाय ऐसे लोगों को करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी दो चावल के दानों की। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं पांच हरे मूंग के दाने। पांच हरे मूंग के दाने सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ऐसा होता है हार्मोन, जिसे साबुत मूंग या फिर खड़ा मुंबई कहते हैं। तो पांच हरे मूंग के दाने आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है दो लोटा जल। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे साल आप शिवलिंग में एक लोटा जल समर्पित किया करेंगे, लेकिन सिर्फ सावन के महीने में आप दो लोटा जल शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करिए और ऐसा करने से महादेव हमारी प्रार्थना बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। दो लोटे जल आप किसी पात्र में ले सकते हैं, आप चाहें तो एक स्टील का लोटा लेने और दूसरा तांबे का लोटा ले लें, या फिर आप दोनों ही स्टील के लोटे ले सकते हैं, या फिर आप दोनों तांबे के लोटे ले सकते हैं। जिस भी पात्र में आपको सुविधा हो ऐसे पात्र आप ले सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुँच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बुधवार के दिन आपको ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर लेना है। जब भी आपके पास टाइम, तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो पांच हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उन दानों में से पहला दाना आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा हरा रंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा हरा मूंग का दाना आपको नंदी महाराज का जो पर उठा हुआ रहता है, नंदीश्वर भगवान का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पर के आसपास यह तीसरा हराम का दाना आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास दो हरे मूंग के दाने बचे हैं, इनमें से एक मूंग का दाना आपको इस एक एक लोटे जल में डाल लेना है और फिर ये जो दो चावल आप लेकर आए हैं, इन दोनों चावल के दानों के एक एक दाने को आप इस एक एक लोटा जल में डाल देंगे।
अगर आप शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको मूंग समर्पित कर देनी है, और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपने ये दो लोटे जल तैयार कर लिए हैं, इसमें एक हरा मूंग का दाना और एक चावल का दाना अपने डाल दिया है। अब ये दो लोटे आपको अपने दोनों हाथों में लेकर शिवलिंग में एक साथ समर्पित कर देना है। सामने जैसे आपको दोनों लोटे समर्पित करते हुए दिखाए जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर ये दोनों लोटे जल समर्पित करते जाने हैं और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन और अधिक मास में पड़ने वाले इस बुधवार के दिन अगर आप ये दो लोटे जल वाला विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट कष्ट समस्याएं बहुत ज्यादा है, एक समस्या खत्म नहीं होती है और दूसरी समस्या पहले आ जाती है, या फिर उनकी कोई मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य जी ने कहा कि ऐसे लोगों को ही दूसरा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद ले लेना है, आप चाहे तो आधा चम्मच शहद ले सकते हैं, फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है शमी पत्र। देखें, इस समय शिवालय में शमी पत्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र भी मिल जाएंगे, अपील पत्र भी मिल जाएंगे, कनेर के फूल भी मिल जाएंगे, आंकड़े के फूल भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ शमी पत्र लेना है। अगर आपको एक शमी पत्र मिल जाए तो एक ले लीजिए, या फिर तीन, या फिर पांच, या फिर सात, या फिर नौ, या फिर ग्यारह, या फिर इक्कीस, जितनी भी आपको शमी पत्र मिल जाए उतने आपको ले लेने हैं। या फिर आपके घर के आसपास अगर शमी पत्र का वृक्ष लगा हुआ है तो उनसे भी आप तोड़ सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रदोष काल में कर लें, और अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आपको एक काम करना है, आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का लगातार स्मरण करते जाएंगे, या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आप जो पांच, या फिर सात, या फिर ग्यारह, या फिर जितने भी शमी पत्र लेकर आए हैं उन शमी पत्र को शहद में डुबो देंगे, यानी शमी पत्र को पूरी तरह से आप शायद मैं कर लेंगे। इन सभी शमी पत्र में आप अच्छी तरह से शहद लगा लेंगे और फिर इन सारे सभी पत्रों को एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, आप चाहे जितने भी शमी पत्र लेकर आए हो, आप इन सारे शमी पत्र को शहद में अच्छी तरह से बोलेंगे और फिर ये सारे समय पत्र आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और आपके जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उनको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन अगर आप शमी पत्र शहद लगे हुए यह समर्पित करते हैं तो आपके सारे संकट, सारी समस्याएं, सारे कष्ट और सारी विपत्तियां महादेव की कृपा से बहुत शीघ्रता से समाप्त होती है। बस आपको महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करनी है तो महादेवी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।